देखिए गलत होगा ज्योति अगर हम केवल दिल्ली एनसीआर की बात करें, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति ऐसी ही है। इसीलिए कुछ और इलाकों का हाल भी हम आपको दिखाते हैं। केवल दिल्ली एनसीआर में ही प्रदूषण नहीं है, बीमारियां बिहार में भी फैल रही हैं प्रदूषण की वजह से। कल बिहार की सरकार ने प्रदूषण से बचाव के लिए कई निर्देश संस्थाओं को जारी किए। प्रदूषण से बेहाल अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं है। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां एलजेपी के कार्यकर्ता लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों में पटना की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल की अगर बात करें तो पटना में AQI 300 के पार दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कल सीएम नीतीश कुमार ने पटना में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार के प्रदूषण की समीक्षा के साथ कई अहम फैसले भी किए गए। बैठक के बाद बिहार के मुख्य सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिहार में 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगेगा। 15 साल से पुराने निजी वाहनों को जांच के बाद ही परमिट मिलेगा। डीजल से चलने वाले ऑटो को जल्द ही CNG में बदला जाएगा। सभी तरह के निर्माण को ढकने का आदेश, ताकि धूल न उड़े। इसके अलावा किसानों द्वारा फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो पटना का हाल आपने देखा, लेकिन सबसे बुरा हाल अगर कहीं का है तो वो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, जहां घर के बाहर ही नहीं घर के भीतर भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ एयर प्यूरिफायर की मांग भी बढ़ने लगी है, लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर हवा को पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हो चुकी हवा से लोग डरने लगे हैं। दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो लोग बाजार पहुंचे और एयर प्यूरिफायर खरीदना ही मुनासिब समझा। एयर प्यूरिफायर की दुकानों में पहले के मुकाबले काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आज के जमाने में हम जब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन बॉडी के लिए चाहते हैं, तब ही कस्टमर बाहर निकलते हैं कि आंखों में जलन, खांसी, ये सब चीजें जब फील करते हैं कस्टमर, तब वो बाहर मार्केट में आते हैं। लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर हवा को पूरी तरह से प्योर बना देते हैं? इस सवाल का जवाब आपके लिए बेहद जरूरी है और इसका जवाब जानने हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर KK अग्रवाल के घर। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें डॉक्टर KK अग्रवाल के घर की हैं, जिन्होंने खुद अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन्होंने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाया है तो फिर घर के अंदर मास्क लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? इफेक्टिव प्यूरिफायर वो 40 से 50 स्क्वायर फीट के अंदर में 80 से 90 प्रतिशत पॉल्यूशन लेवल कम करेगा। यानी कि अगर आप ऑलरेडी का 1000 है एरिया के अंदर में तो वो 200 पे लेकर आएगा, और अगर 100 है तो 10 पे लेकर आएगा। सो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना हार्म रिडक्शन है, जितना कम कर सकते हो उतना करिए। तो सुना आपने, एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद प्रदूषण तो कम कर रहा है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहा। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करना ही सेहत के लिए फायदेमंद होगा।